सो है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि राम प्रसाद भाई मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल को कॉपी करके अगर हम लोग को यूट्यूब चैनल के लिए अपील करते हैं तो उस कंडीशन हम लोग को यूट्यूब चैनल पे होता क्या है, हम लोग जो अपील करते हैं ना, तो यहाँ पे प्लीज इनका योग वैलिड यूआरएल करके बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जो है सही तरह से अपील कर पाएंगे यूट्यूब को, हम लोग का यूट्यूब चैनल जो सस्पेंड हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, उसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम जो हम लोग को होता है कि यूट्यूब चैनल अगर टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, उस कंडीशन में यूट्यूब को अपील करते हैं तो हम लोग यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल होता है वो गलत बताता है। तो इस यूआरएल को हम कैसे सही करेंगे और कैसे हम लोग यूट्यूब को अपील करेंगे, अगर हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है वो रिकवर होगा या फिर नहीं होगा, वो भी मैं आप लोग के स्टूडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो भी हम लोग का यूट्यूब चैनल होता है, हम लोग यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल यूआरएल जो यहाँ पे एंड बताता है, उससे सबसे पहले हम लोग होता क्या है कि हम लोग देखो, हम लोग का यूट्यूब चैनल जो सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, सबसे पहले जो हम लोग यूट्यूब चैनल का यूआरएल जो निकालना होता है ना, वो दो तीन तरीका है जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को यूआरएल निकाल सको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या है कि यूट्यूब चैनल हम लोग सस्पेंड होता है, इंटरमेंट जो भी होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ सस्पेंड चैनल का, क्योंकि मेरे पास यूआरएल तो नहीं है सस्पेंड चैनल का किसी का भी, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका है वो भी बताता हूँ कैसे आप जो उसे आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप लोगों का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, तो यूट्यूब आपको ईमेल के थ्रू से आपका चैनल का जो यूआरएल होता है यूआरएल भेज देता है, ठीक है। तो वहाँ से आप चाहो तो यूआरएल को ले सकते हो, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो भी आपका चैनल टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, तो यूट्यूब क्या करता है कि आपको जीमेल पे आपका चैनल का यूआरएल भेज देता है, ठीक है। तो वहाँ से आप चाहो तो सेम लिख सकते हो या फिर चाहो तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अभी नहीं है, तो आप लोग के पास ईमेल आता होगा, आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको नीचे यूआरएल मिलता है चैनल यूआरएल, फिर वहाँ से आपको अपील करने का फॉर्म भरने का वो ऑप्शन मिल जाता है, तो वहीं से भी जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया कि हम लोग यूट्यूब चैनल का अगर सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, तो हम लोग जीमेल पे अपना जो चैनल का यूआरएल होता है वो मिल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा आपका जो यूट्यूब चैनल का जो यूट्यूब हैंडल होता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी चैनल आप बनाते हो, तो यहाँ पे यूट्यूब हैंडल आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब हैंडल हम लोग बनाते हैं तो अपने चैनल जो सस्पेंड होता था, टर्मिनेट होता था, तो उस टाइम हम लोग यूट्यूब हैंडल बनाते हैं, ठीक है। यूट्यूब हैंडल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, तो मेरा चैनल का नाम दिख रहा है, नीचे देख सकते हो यहाँ पे @ मेरा चैनल का नाम दिख रहा है। यहाँ पे जो भी यूट्यूब हैंडल आप बनाए होंगे वो अगर आपको याद है तो यहाँ पे चैनल का यूआरएल आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आप इसे स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके मैं अपना चैनल का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। बाकी अगर आप लोग कॉपी नहीं किए होंगे तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर आ जाना है और यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करके चैनल यूआरएल कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉपी कर लिए, उसके बाद अगर आप लोग के पास अगर चैनल यूआरएल नहीं मिल रहा, यूट्यूब हैंडल आज नहीं है, तो उस कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने फ्रेंड को कहीं पे भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना अपने इंस्टाग्राम पे ऐड कर लेते हैं, उसको पता नहीं होता है मैंने इंस्टाग्राम पे अपना चैनल यूआरएल लिंक करके रखा है, वहाँ पे ऐड करके रखा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी को शेयर किए होंगे, किसी को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर कहीं पे भी शेयर किए होंगे, नहीं तो आप अपने चैनल पे यानी अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट होगा तो स्क्रीनशॉट से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपका यूट्यूब हैंडल अगर यहाँ पे देखोगे, मेरा चैनल का यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला है, बहुत सारे लोग डाल कर रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे यूआरएल हम लोग ढूंढ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अपने अगर यूट्यूब हैंडल सिर्फ आपको याद है, यानी कि सिर्फ आपको यूट्यूब हैंडल याद है, तो उस कंडीशन में आप अपने चैनल का यूआरएल कैसे बना सकते हो, ठीक है। बाकी अपील कैसे करना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सस्पेंड यूट्यूब चैनल अपील करके, ठीक है। तो यहाँ से मैं आता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सस्पेंड चैनल अपील, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल अपील मैंने लिखा है, तो यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट पर आ जाना है, वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको दिस फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से इस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक फॉर्म भरने के लिए बोलेगा, तो उस फॉर्म को सही तरह से भर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है और आपको जो भी लिखना होगा अपने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सिर्फ आप लोग बता दूंगा कि यूआरएल कैसे जो है सही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ओपन हो जाएगा, तो यूआर फुल नेम पे अपने चैनल का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ से मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मेरा चैनल यहाँ पे सस्पेंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ईमेल डाल देता हूँ, कोई भी ईमेल, कोई भी यहाँ पे मैं जीमेल डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे यार ये यहाँ से मैं कोई भी जीमेल डाल देता हूँ क्योंकि मेरा चैनल यहाँ पे सस्पेंड तो नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ से मैं कुछ भी अभी लिख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे देखोगे आप लोग यूट्यूब हैंडल भी डाल के अगर यूआरएल को हैंडल डाल के अगर भी अपील करते हो तो यहाँ पे यूआरएल आपका इनवैलिड बताएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे यूआरएल इनवैलिड बता रहा है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, उस पर आप लोगों को अपने चैनल का यूआरएल कैसे बनाएंगे, खुद से कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यूट्यूब चैनल को अपील करोगे तो यहाँ पे देखो आपको @ जो होता है ना, उसे @ को आपको हटा देना। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा चैनल पे @ वाला रहेगा ना, तो यहाँ पे यूट्यूब हैंडल वाला यूआरएल यहाँ पे @ को आपको हटा देना है। और आप जीमेल से कॉपी किए हो, जो ईमेल पे मैसेज आया था उसे कॉपी किए हो, तो उस पर इनवैलिड यूआरएल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो यूट्यूब हैंडल वाला होता है उस पर इनवैलिड यूआरएल का प्रॉब्लम आता है। तो @ हटा के अगर आप यहाँ पे अपील कर दोगे ना, तो आपका अपील यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से जो आपको अपील करते हैं इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली आपको अपील यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे अपील हो गया ठीक है। तो इस तरह से अपील कर सकते हो। बाकी बात अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल हम लोग कैसे बनाएंगे खुद से ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो चैनल का मैंने बताया था, चैनल पर जाकर फ्री लाइन पर क्लिक करके वहाँ पे मेरा चैनल का यूआरएल कॉपी कर लीजिएगा। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से आप क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना ठीक है। पेस्ट करने के बाद सारा कुछ आपको यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ पे एट द रेट तक आपको यहाँ पे कट, यहाँ पे तक आपको कट करना है ठीक है। जैसे कि यहाँ तक आपको कट कर देना है यहाँ तक ठीक है। उसका जो भी आपका यूट्यूब हैंडल था, जैसे फटाफट समझ लो मेरा चैनल का नाम था यहाँ पे रामप्रकाश ब्लॉग्स वन था, ठीक है। अपने चैनल का नाम यहाँ पे जो भी रहेगा यूट्यूब हैंडल यहाँ तक डाल देना है, और ये एट द रेट जो है ना, एट द रेट आपको यहाँ से सिर्फ हटा देना है, और यहाँ पे अपील कर देना यूट्यूब पर चैनल पे अपील जो रहेगा वो सक्सेसफुली 100% आपका जो चैनल अपील यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। और आप लोग अगर गलती नहीं किए होंगे तो आपका यूट्यूब चैनल 100% रिकवर हो जाएगा। अगर आप लोग गलती किए होंगे तो आपका यूट्यूब चैनल वापस नहीं आएगा, और हो सकता है अगर वापस आ भी जाएगा तो 3 महीने के बाद देखना, बट ट्राई करके अपील करके देखना आपका यूट्यूब चैनल वापस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है गलती किए होंगे तो। इसलिए अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ तो न्यू चैनल बना के यूट्यूब पे काम कीजिए, और उस चैनल को भरोसा छोड़ दीजिए, वापस आएगा फिर नहीं आएगा उसको कोई गारंटी नहीं होता ठीक है।